सो फाइनली दोस्तों सिंगम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 गाइस डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर्स एंड गाइस आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दूं, अजय देवगन फैंस मुबारक हो भैया, कुल मिला के 60% से ज्यादा जी दोस्तों अपने हाथ में स्क्रीन शोज और कुल मिला के मल्टीप्लेक्सेस हो सिंगल थिएटर हो भाई साहब सिंगल थिएटर तो रोहित शेट्टी के पैर पकड़ रहे हैं कि मालिक हमका दे दो हमका शोज दे दो, नहीं तो भैया हमारे भूल भुलैया 3 तो साफ साफ दिखाई दे रही है डिजास्टर और ऑडियंस की तरफ से भूल भुलैया 3 कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई देखना नहीं चाह रहा भूल भुलैया 3 को। गाइस एकदम टीजर में तो हक दिया विद्या बालन है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि भूल भुलैया 3 का टोटली बजट डाउन हो चुका है एंड फेक परमिशन से बुक माई शो पे 90,000 का इंटरेस्ट हो चुका है, जहां पर दोस्तों सिंगम अगेन का अभी 50,000 होने वाला है। गाइस आपको बता दूं कि फेक प्रमोशन तो बहुत चल रहा है BB3 का, भूल भुलैया 3 का एंड आपको बता दूं, लेकिन दोस्तों अपना बाजीराव को हल्के मत लेना, ये सूर्यवंशी सिम्बा और ये सिंगम अगेन की जो फ्रेंचाइजी है दोस्तों ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कैटेगरी है एंड रोहित शेट्टी और अजय देवगन का जो तड़का लगता है ना भैया तो कुल मिला के दाल रोटी भी मस्त खाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिंगम अगेन है भाई, सिंगम कॉप यूनिवर्स है दोस्तों एंड ये फादर ऑफ कॉप यूनिवर्स है अजय देवगन, वेल दोस्तों आप अवेंजर्स लाइक अवेंजर्स कॉप यूनिवर्स यू कैन से। सो गाइस वीडियो पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी प्यार देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कितने शोज मिल रहे हैं इसको और क्या कैपेसिटी होगी दोस्तों शोज स्क्रीन को लेकर आज की वीडियो में बात की जाएगी एंड इस सिंगम का दोस्तों क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रच रहे रोहित शेट्टी वो भी बताऊंगा। दोस्तों पिंक विला की रिपोर्ट आई थी और पिंक विला की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, जिस भाई लोगों को रिपोर्ट पढ़ने में ज्यादा विश्वास होता है तो इस वीडियो के बाद रिपोर्ट पढ़ के पिंक विला का और अपनी मैच कर सकते हो। किसी को लगता होगा कि यार रवि भाई आप तो खामो का फेक न्यूज दे रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वेल दोस्तों आप पिंक विला की रिपोर्ट पढ़ सकते हो, मैं पिंक विला की रिपोर्ट अच्छा समझता हूँ क्योंकि उसमें अच्छी रिपोर्ट होती है एंड उसको मैं सत्य समझता हूँ, उसमें जो भी खबरें होती है और वो वाकई में एक ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, तो पिंक विला की रिपोर्ट पढ़ लेना दोस्तों। देखो दोस्तों आपको बता दूं कि सिंगम अगेन की हाइप बनती जा रही है एंड मैंने आज की वीडियो में कहा था कि भाई ट्रेलर की डेट आ चुकी है, 3 अक्टूबर को ग्रैंड ट्रेलर आ रहा है दोस्तों, ठीक है हम सबको पता है, और ये 3 अक्टूबर का जो ट्रेलर है ना भाई कोई छोटा मोटा आंडू पांडू टीजर काइंड ऑफ में नहीं आएगा, हैवी ट्रेलर आएगा जिसके अंदर आपको धमाल मचाते हुए अजय देवगन बाजीराव की एंट्री, हेलीकॉप्टर सूर्यवंशी की एंट्री एंड गाइस सिम्बा टाइगर श्रॉफ बड़े बड़े एक्टर की आपको झलक देखने को मिलेगी, प्लॉट देखने को मिलेगा, सस्पेंस बैकग्राउंड म्यूजिक डायलॉग एंड कुल मिला के गाड़ियां पीछे से 75 उड़ती हुई देखने को मिलेगी एंड धासु ट्रेलर आने वाला है। इस सबके बीच दोस्तों आपको बता दूं कि अभी भूल भुलैया 3 की हाइप डाउन हो चुकी है क्योंकि जब से टीजर आया हुआ दोस्तों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है विद्या बालन को कार्तिक आर्यन को कि भाई इससे बढ़िया तो अक्षय कुमार ही भूल भुलैया 3 को कर लेते वो ज्यादा अच्छा होता। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि जो गुड न्यूज आई है वो ये आई है, रोहित शेट्टी जियो स्टूडियो के साथ मिलकर, जी दोस्तों रोहित शेट्टी एंड जियो स्टूडियो दोनों मिलकर भाई साहब इन्होंने क्या काम किया हुआ है, ऑल ओवर कंट्रीज एंड ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी है PVR आयोनेक्स के साथ समझौता कर लिया है। जियो दोस्तों PVR आयोनेक्स यानी कि हमारे 3 मल्टीपल चैंस हैं, PVR आयोनेक्स साइनोपोलिस एंड दोस्तों एक और है अपना PVR प्लस आयोनेक्स एंड साइनोपोलिस, 3 मल्टीपल चैन हो गए, तो PVR प्लस आयोनेक्स जितने भी मल्टीपल चैंस है चाहे वो साइनोपोलिस का क्यों ना 60% से ज्यादा शो केसिंग के मल्टीप्लेक्सेस के अंदर, ओवरऑल ऑल मल्टीप्लेक्सेस के अंदर 60% से ज्यादा शो केसिंग सिक्योर कर ली है। आई मीन दोस्तों आप ये समझ लो कि 100 अगर टोटल स्क्रीन 100 मिल रहे हैं और ये फिल्म सोलो रिलीज होती तो 100 स्क्रीन पूरे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि दोस्तों क्लैश का टाइम चल रहा है, दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है एंड अभी तो नॉर्थ में 2 क्लैशेस हो रहे हैं, क्या पता साउथ में भी क्लैशेस हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रोहित शेट्टी ने काम अच्छा किया एंड जो जियो स्टूडियो के साथ मिलकर इन्होंने 60% से ज्यादा स्क्रीन शोज को अपने हाथ में कर लिया है। आप ऐसा समझ सकते हो कि 100 में से 60 और 40 का रेशियो बन रहा है, कुल मिलाकर दोस्तों 60% रखेगी सिंगम अगेन, जितने भी शोज होंगे जितने भी स्क्रीन होंगे 60% से ऊपर होगा एंड 40% के आसपास रहेगा भूल भुलैया 3। तो बाजी तो दोस्तों कुल मिलाकर अजय देवगन ने यही मार ली है, यानी कि दोस्तों अगर अपने हाथ में शो ज्यादा होंगे स्क्रीन ज्यादा होंगे तो इस जंग को जीती जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि ओवरसीज के अंदर अभी एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने देखा था कि 1500 स्क्रीन्स पे अभी सिंगम अगेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 1500 स्क्रीन्स मिल चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये स्क्रीन्स कम है 1500, आपको बता दूं कि कम से कम 2700-3000 तक ये जाएगा। जी हाँ वही दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने इंडिया में कहा था कि 4500 से ऊपर स्क्रीन जाएगा, जो कि दोस्तों हमारे टोटल स्क्रीन्स हैं
अराउंड इंडिया में 9000 के आसपास। सो अगर मैं 60% का रेशियो लेकर चलूँ तो 5400 यानी कि 5400 स्क्रीन से जाएंगे आपको सिंघम अगेन को। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग 3600 के आसपास, मतलब 4000 से भी कम दोस्तों स्क्रीन से जाएंगे भूल भुलैया 3 को। तो मुझे लगता है दोस्तों भूल भुलैया 3 तो यही कलेक्शन में डाउन हो जाएगी, फर्स्ट डे की ओपनिंग वैसे डाउन होगी। एंड गाइस ये फिल्म खराब निकल गई तो भाई साहब फिर तो बवाल ही हो जाएगा, भूल भुलैया 3 खतरे में भाई, मतलब कार्तिक आर्यन का फ्यूचर खतरे में दिख रहा है साफ साफ। इसके साथ ही साथ दोस्तों को बता दूं कि सिंगल थिएटर ओनर के जितने भी मालिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स है एंड एग्जीब्यूटर्स है, दे आर रीचिंग टू रोहित शेट्टी और वो ये बोल रहे हैं, खासतौर पर सिंगल थिएटर के मालिक तो ये बोल रहे हैं कि रोहित शेट्टी जी प्लीज इस फिल्म की हाइप बहुत तगड़ी है, इसके प्लीज कृपया करके हम पे भी रहम कीजिए और सिंगल थिएटर में इस फिल्म को चलाइए। आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी एग्जीब्यूटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है सिंघम अगेन के शोज ज्यादा बढ़ा रहे हैं, सिंघम अगेन के स्क्रीन्स यहां तक कि मल्टीप्लेक्सेस के अलावा जो 60% रिजर्व हो गया है नाउ, अब दोस्तों सिंगल थिएटर के अंदर भी सिंघम अगेन की डिमांड ज्यादा हो रही है रादर देन भूल भुलैया 3। सो कहीं ना कहीं दोस्तों ये काम बहुत अच्छा हुआ है। एंड क्योंकि दोस्तों ये फिल्म रामायण जो है रामायण के बैकड्रॉप पे आधारित है, सिंघम अगेन के अंदर आपको रामायण की झलक देखने को मिलेगी और दिवाली पे ये इसीलिए रिलीज हो रही है क्योंकि आपको सिंघम तो दिखेगा बाजीराव का स्टाइल, बाजीराव का स्वैग, लेकिन दोस्तों उसी बीच आपको रामायण से भक्तिमयी एक श्रद्धा भी दिखेगी पूरी फिल्म के अंदर, एक थीम दिखेगा कि यार दिवाली में रामायण का एक महोत्सव दिखेगा। सो रोहित शेट्टी इतने बेवकूफ नहीं है इसलिए उन्होंने कभी भी इसकी डेट को पोस्टपोन नहीं किया, बिकॉज दिवाली इज द सुटेबल टाइम टू रिलीज गाइज। एंड बिलीव मी रोहित शेट्टी जो है मेकिंग अ ह्यूज स्ट्रेटजी टू जस्ट गेट द फिल्म रोड एट द बॉक्स ऑफिस, यू कैन बिलीव इट गाइज। सो कहीं ना कहीं तैयार हो जाओ, बॉक्स ऑफिस फटने वाला है दोस्तों। एंड सबसे ज्यादा शोज सिंगल थिएटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर्स भाई साहब रोहित शेट्टी के चरण पकड़ रहे हैं। एंड आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर जियो स्टूडियो है, तो भाई साहब तैयार हो जाओ। अब देखो यार दोस्तों भूल भुलैया 3 फेक प्रमोशन करे जो भी करे, उन्होंने तो भैया अपने बुक माई शो पर तो दिखा दिया 90,000 क्रॉस हो गई, लेकिन दोस्तों ट्रेलर आने दो क्योंकि ये ट्रेलर आने वाला है ना भाई, आग लगा देगा। ट्रेलर आते ही मैं कहूंगा एक दिन में ही साला 1,00,000 क्रॉस हो जाएगा, फिर देखना। उसके बाद अक्टूबर के बाद पिंक विला रिपोर्ट के अनुसार रोहित शेट्टी जो है ग्रैंड ट्रेलर रिलीज करने के बाद उसकी प्रमोशन, इसकी सॉन्ग्स पे काम एंड दोस्तों इसके अलावा प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसकी प्रमोशन दबा के होने वाली है। एंड गाइस ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, ठीक है। सो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये नेशनल चैंस में उन्होंने 60% तो रिजर्व कर लिया है, सिंगल थिएटर में भी अब फिल्म चलेगी, क्या लगता है अब क्या सिंघम अगेन के चांसेस ज़्यादा हो गए कलेक्शन में, क्योंकि कलेक्शन अब कम से कम 20% ज़्यादा ही देखने को मिलेगा जिस हिसाब से शोज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या बॉक्स ऑफिस में धमाल करेगी सिंघम अगेन, और दोस्तों भूल भुलैया 3 का क्या होगा, क्या वाकई में भूल भुलैया 3 पिट जाएगी, कमेंट करो दोस्तों, ऐसे अपडेट आपके सामने लाता रहूंगा। एंड गाइस अब तो मुझे लगता है कि गेटी गैलेक्सी में भी मनोज देसाई हैप्पी होंगे क्योंकि उनको सबसे ज्यादा शोज मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्यार देते रहिए, थैंक यू सो मच, इसी तरह सब्सक्राइब करके अपने भाई को लाइक कमेंट करो। अजय देवगन फैंस आ जाओ क्योंकि सिंघम अगेन अब भाई साहब प्रमोशन फुल मोड में चालू हो गया। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों, टेक केयर।